हेलो दोस्तों, आप सभी को राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बेस्ट ट्रेंडिंग बाइक के बीच में कंप्लीट कंपेरिजन करने वाले हैं। और ये जो तीनों बाइक होने वाले हैं, ये 650cc की रेंज में होने वाले हैं। और इन तीनों बाइकों का नाम कुछ इस प्रकार है: होंडा का CB650R, ट्रम्प का ट्राइडेंट 660 एंड कावासाकी का Z650। तो गाइज, अगर आप कुछ टाइम बाद 650cc की रेंज में बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो देखने के बाद एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि आपको इन तीनों बाइकों में से कौन सा बाइक लेना बेस्ट होगा। और मैं वीडियो को एंड में बताऊंगा कि मेरे ओपिनियन से आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए। इस वीडियो में हम इन तीनों बाइकों के बीच में कंपेयर करने वाले हैं कि किसमें क्या कुछ हमें देखने को मिलने वाला है, जैसे पावर, प्राइस, माइलेज, टॉप स्पीड एक्सेट्रा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको बाइक रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों का रिप्लाई दूंगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और एंड तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि मैक्सिमम लोग बाइक में क्या क्या देखते हैं। जो मैक्सिमम लोग हैं, वो सबसे पहले बाइक में लुक देखते हैं, फिर प्राइस, फिर पावर, फिर टॉप स्पीड एंड देन माइलेज। तो ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये मैक्सिमम लोग बाइक में देखते हैं। तो पहले हम इन पांचों चीज़ों के बारे में जानेंगे, उसके बाद भी काफ़ी सारे डिटेल्स होते हैं जो आप और हम जैसे प्रो और लेजेंड लोग जानना चाहते हैं। तो चलिए अब हम डिटेल्स में जान लेते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें लुक की, तो इन तीनों बाइकों का लुक में कहीं से कोई भी कमी नहीं है। तीनों बाइक का लुक एकदम तगड़ा है, तीनों अपनी जगह पे बेस्ट है लुक वाइज। और वहीं प्राइसिंग की बात करें, तो जो भी मैं इसका एक्स शोरूम प्राइस बताऊंगा, वो दिल्ली के एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से होने वाला है। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको एस्टीमेट ऑन रोड प्राइस भी बताऊंगा, जो दिल्ली के ही ऑन रोड प्राइस के हिसाब से होने वाला है। अगर आपको एक्यूरेट ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं, तो आपको आपके नज़दीकी शोरूम में ही विजिट करना होगा। और अगर आप कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, इन चारों शहरों का एस्टीमेट ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं, तो आप मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने इनका ऑन रोड एस्टीमेट ऑन रोड प्राइस मेंशन किया हुआ है। तो चलिए अब हम इन तीनों बाइक के प्राइस के बारे में बात कर लें। होंडा CB650R का एक्स शोरूम प्राइस 8.67 लाख होने वाला है। और ये जो एक्स शोरूम प्राइस है, वो दिल्ली का एक्स शोरूम प्राइस है। और इसका जो एस्टीमेट ऑन रोड प्राइस होने वाला है, वो 9.79 लाख होने वाला है। सेकेंड नंबर की बात करें, तो ट्रम्प का ट्राइडेंट 660, इसमें एक सिंगल टोन आता है, एक डुअल टोन आता है। इसमें सिंगल टोन का एक्स शोरूम प्राइस 6.95 लाख होने वाला है, और डुअल टोन का एक्स शोरूम प्राइस 7.08 लाख होने वाला है। और इसका जो एस्टीमेट ऑन रोड प्राइस जाएगा, वो 7.75 लाख तक होने वाला है। आपकी सुविधा के लिए आपको स्क्रीन पे एक फोटो दिख रहा होगा, जहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि सिंगल टोन कौन सा है और डुअल टोन कौन सा कलर है। थर्ड नंबर पे है कावासाकी का Z650, इसका एक्स शोरूम प्राइस 6.18 लाख होने वाला है। और इसका जो एस्टीमेट ऑन रोड प्राइस है, वो 7.11 लाख तक होने वाला है। दो पॉइंट के बारे में तो हमने बात कर लिया, फर्स्ट लुक, सेकंड प्राइस। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं पावर। तो चलिए जान लेते हैं कि इसमें कितना पावर हमें मिलने वाला है। पावर के बारे में जानने से पहले चलिए हम जान लेते हैं कि इन तीनों बाइक में किस टाइप का इंजन हमें देखने को मिलने वाला है। होंडा CB650R में आपको 648.72cc का 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड BS6 इंजन देखने को मिलने वाला है, जिसके साथ आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स भी देखने को मिल जाएगा। और वहीं इसके पावर के बारे में बात करें, तो आपको 85.82 HP की पावर मिलता है 12,000 RPM पे, और 8,500 RPM पे आपको 57.5 Nm का टॉर्क मिल जाता है। अगर वहीं बात करें ट्राइडेंट 660 का, 660cc का लिक्विड कूल 12V DOSC इनलाइन 3 सिलेंडर BS6 इंजन देखने को मिल जाता है, जो 10,250 RPM पे 81 HP का पावर आपको दे देती है बाइक, और 6,250 RPM पे ये 64 Nm का आपको टॉर्क दे देती है। और इसमें भी आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। थर्ड नंबर पे है कावासाकी का Z650, इसमें आपको 649cc का 2 सिलेंडर लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक पैरेलल ट्विन डुअल थ्रोटल वेल्व FI BS6 इंजन देखने को मिल जाता है, और इसमें भी आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। और वहीं इसके पावर के बारे में बात करें, तो 8,000 RPM पे 68 HP की पावर आपको ये जनरेट कर देती है बाइक, और 6,700 RPM पे 64 Nm का टॉर्क जनरेट कर देती है। तो अगर इन तीनों बाइकों का हॉर्स पावर देखें, तो सबसे ज़्यादा आपको होंडा CB650R में मिलता है, जो कि 85.82 HP का पावर आपको मिल जाता है 12,000 RPM पे। सेकेंड नंबर पे आता है पावर के मामले में ट्राइडेंट का 660, जिसमें आपको सिर्फ 10,250 RPM में ही 81 HP का पावर मिल जाता है।
बट यहाँ पे कावासाकी में आपको सबसे कम पावर मिलता है इन दो बाइकों के कंपेयर में। बट अगर टॉर्क के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे अच्छा टॉर्क आपको ट्राइडेंट 660 में देखने को मिलता है, जो कि सिर्फ 6250 आरपीएम पे 64 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिल जाता है। और यही टॉर्क आपको कावासाकी Z650 में भी देखने को मिलता है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा आरपीएम बढ़ाना पड़ता है। यहाँ पे आपको 6700 आरपीएम पे 64 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तो यहाँ पे टॉर्क के हिसाब से होंडा CB650R सबसे लो में आता है, क्योंकि होंडा CB650R में आपको 8500 आरपीएम पे 57.5 न्यूटन मीटर का ही टॉर्क मिल पाता है। तो अभी तक हमने इन तीनों चीज़ों को जान लिया है, लुक, प्राइस, पावर। अब फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, टॉप स्पीड। तो चलिए देखते हैं किसमें सबसे ज़्यादा टॉप स्पीड हमें देखने को मिलने वाला हूँ। ये कंपनी इतना टॉप स्पीड क्लेम करती है वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे होंडा CB650R का जो टॉप स्पीड है वो 225 किलोमीटर पर आवर का होने वाला है, और वहीं ट्राइडेंट 660 और कावासाकी Z650 में आपको सेम टॉप स्पीड देखने को मिलता है। इन दोनों बाइकों में आपको टॉप स्पीड 212 किलोमीटर पर आवर का देखने को मिलता है। तो टॉप स्पीड के मामले में यहाँ पे होंडा CB650R बेस्ट है। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को और भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो कंपनी क्लेम करती है टॉप स्पीड, इससे भी 25 से 30 जो स्पीड है वो आपको ज़्यादा मिलने वाला है रियल लाइफ में। तो सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट पॉइंट है माइलेज। तो चलिए देखते हैं किसमें हमें कितना माइलेज कंपनी क्लेम करती है। तो दोस्तों यहाँ पे होंडा CB650R और ट्राइडेंट 660 दोनों में आपको 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिल जाता है, और वहीं कावासाकी Z650 की बात करें तो यहाँ पे आपको इन दोनों बाइकों से कुछ ज़्यादा माइलेज देखने को मिल जाता है। आपको कावासाकी Z650 में 22.22 किलोमीटर पर लीटर का आपको माइलेज देखने को मिल जाता है, मतलब इन दोनों बाइकों से 2 किलोमीटर आपको ज़्यादा माइलेज मिलता है कावासाकी की Z650 में। तो अभी तक हमने लुक, प्राइस, पावर, टॉप स्पीड और माइलेज के बारे में पूरा जान लिया है। अब चलिए कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स जो सारे फीचर के साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वहीं अगर बात करें होंडा CB650R में ब्रेकिंग सिस्टम की, तो आपको इसमें डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है, और फ्रंट में आपको 310mm का डुअल डिस्क पेडल देखने को मिल जाता है। रियर में आपको 240mm का सिंगल डिस्क पेडल ब्रेक देखने को मिल जाता है। ये इसमें आपको डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक आपको ऑफर की जाती है। टाइम का ट्राइडेंट 660 की बात करें तो इसमें भी आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है, जो निशिन के ब्रेक कैलिपर के साथ ये बाइक आपको ऑफर की जाती है। इसमें फ्रंट में भी आपको डुअल डिस्क पेडल देखने को मिल जाता है, जो 310mm का होता है, और इसके रियर में अगर ब्रेक साइज की बात करें तो 255mm का सिंगल डिस्क पेडल है। तो यहाँ पे जो रियर का ब्रेक साइज का पेडल होंडा CB650R से थोड़ा बड़ा है। होंडा CB650R में 240mm का डिस्क पेडल देखने को मिलता है रियर में, और यहाँ पे ट्राइडेंट में आपको 255mm का डिस्क पेडल देखने को मिलता है, जो कि CB650 से थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। तो अगर वहीं बात करें कावासाकी का Z650 में, तो इसमें भी आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको डुअल सेमी फ्लोटिंग 300mm का पेटल डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ, और रियर में आपको 220mm का सिंगल पेटल डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ। तो ब्रेकिंग सिस्टम में अगर बात करें तो यहाँ पे कावासाकी में थोड़ा सा साइज के हिसाब से कम है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमें इन तीनों बाइकों में से किस बाइक में सबसे ज़्यादा पेट्रोल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे होंडा CB650R में आपको 15.4 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलने वाला है, और वहीं ट्राइडेंट की बात करें तो ट्राइडेंट में आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलने वाला है, और वहीं अगर कावासाकी Z650 की बात करें तो उसमें आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे होंडा CB650R में इन दोनों बाइकों से थोड़ा सा ज़्यादा फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, क्योंकि हम इन तीनों बाइकों के फुल डिटेल्स को जान रहे हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो बना हो रहा है। तो अगर आपको इन तीनों बाइकों के पूरे डिटेल्स को जानना है तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए अब सस्पेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो होंडा CB650R में फ्रंट में आपको USD फोर्क सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, और वहीं रियर में आपको मोनोसक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। और वहीं ट्राइडेंट 660 में फ्रंट में आपको 41mm का शोवा का USD फोर्क सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, और रियर में भी शोवा का मोनोसक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। और वहीं कावासाकी Z650 में फ्रंट में आपको 41mm का टेलीस्कोपिक फोर्क देखने को मिल जाता है, और रियर में आपको हॉरिजॉन्टल बैक लिंक विथ एडजस्टेबल प्रीलोड मोनोसक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। सस्पेंशन के मामले में यहाँ पे ट्रायंफ का ट्राइडेंट 660 बाजी मार जाती है। और वहीं हेडलाइट की बात करें तो तीनों बाइकों में आपको LED सेटअप देखने को मिल जाता है, और तीनों का डिजाइन अलग है, तीनों का एक अलग ही सेक्सी डिजाइन में लुक दिया गया है हेडलाइट का।
और वहीं अगर इसके कंसोल मीटर की बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो तीनों में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और इन तीनों बाइकों में आपको मोबाइल कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन मिल जाता है। होंडा सिविक 650R ट्विन ट्यूब फ्रेम बेस पे बना हुआ है, और वहीं ट्राइडेंट 660 ट्रिपुलर स्टील पेरीमीटर फ्रेम पे बेस बना हुआ है, और वहीं कावासाकी का Z650 रिलीज हाई टेंसिल स्टील बेस पे बना हुआ है। होंडा सिविक 650R का कार्गो वेट 206 kg है, और वही ट्रैम का ट्राइडेंट 660 का कार्गो वेट 189 kg है, और कावासाकी Z650 का कार्गो वेट 191 kg है। होंडा सिविक 650R का ग्राउंड क्लियरेंस 148 mm है, और कावासाकी Z650 का ग्राउंड क्लियरेंस 130 mm है, और यहाँ पे ट्राइडेंट 660 का ग्राउंड क्लियरेंस अभी तक कहीं भी ऑफिशियल अपडेट नहीं मिल पाया है। होंडा सिविक 650R का व्हील बेस 1449 mm है, और ट्राइडेंट 660 का व्हील बेस 1407 mm है, और वहीं कावासाकी Z650 का व्हील बेस 1410 mm है। व्हील बेस जिस बाइक का जितना ज़्यादा रहता है उतना अच्छा आपको बैलेंसिंग और हैंडलिंग मिल पाता है, तो यहाँ पे कावासाकी Z650 से और ट्राइडेंट 660 से बेटर आपको होंडा सिविक 650R में व्हील बेस मिल रहा है, जो इन दोनों बाइकों से ज़्यादा है, 1449 mm आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे व्हील बेस के मामले में, हैंडलिंग मामले में होंडा आगे निकल जाता है इन दोनों बाइकों से। सीट हाइट की बात करें तो होंडा सिविक 650R में आपको 810 mm का सीट हाइट मिल रहा है, ट्राइडेंट 660 में आपको 805 mm का सीट हाइट मिल रहा है, और कावासाकी Z650 में आपको 790 mm का सीट हाइट मिल रहा है। मतलब सबसे कम सीट हाइट आपको कावासाकी Z650 में मिल रहा है 790 mm का, मतलब जिनका 5-5 भी है वो कावासाकी Z650 को अच्छे से राइड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इन तीनों बाइकों के व्हील्स और टायर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन तीनों बाइकों में आपको ट्यूबलेस टायर मिलने वाला है, और होंडा सिविक 650R के फ्रंट में आपको 120x70 Z8 17 के फ्रंट टायर देखने को मिलने वाले, और रियर में 180x55 Z8 में आपको होंडा सिविक में टायर देखने को और व्हील साइज देखने को मिल जाता है। ट्राइडेंट 660 में आपको फ्रंट में 120x70 R17 के टायर देखने को मिल जाता है, और रियर में आपको 180x55 R17 के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। और वहीं कावासाकी Z650 में फ्रंट में आपको 120x70 Z R17 के टायर देखने को मिल जाता है, और रियर में 160x60 Z R17 के टायर देखने को मिल जाता है। तो अगर इन तीनों का फ्रंट टायर देखें तो तीनों में बिल्कुल सेम टायर साइजेस दिया गया है, बट अगर कावासाकी Z650 में रियर में देखें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम मिलता है इन दोनों के कंपेयर में, होंडा सिविक 650 के और ट्राइडेंट 660 के। तो दोस्तों ये थे इन तीनों बाइकों का कंपेयर वीडियो, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा बाइक बेस्ट लगता है, और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से आपके लिए कौन सा बाइक बेस्ट हो सकता है, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल्स में जान लेते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से ट्राइम्फ का ट्राइडेंट 660 आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि देखिए होंडा का जो बाइक है वो आपको कम सेगमेंट से बड़े सेगमेंट तक का भी बाइक आता है, और कावासाकी का जो बाइक है वो कावासाकी का 300 निंजा से स्टार्ट होता है, उसके बाद भी ये बाइक आता है, बट आपका ट्राइम्फ का ट्राइडेंट जो है ये 660 का सबसे कम बजट का बाइक है, इससे लो बजट का कोई बाइक भी नहीं है। तो एक आप मान सकते हैं कि मार्केट में आप अगर ट्राइम्फ बाइक लेके चलते हैं तो एक अलग ही फील देगा, प्रीमियम फील देगा, क्योंकि मार्केट में ये बाइक कम सेगमेंट में किसी के पास नहीं है, और इसका प्राइस इस रेंज में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। प्राइस के मामले में भी देखें तो आपको इन दोनों बाइकों से थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, और पावर के हिसाब से भी ये बाइक बेस्ट है, और इसमें आपको दो राइडिंग मोड भी मिल जाता है, एक रेन मोड एक रोड राइडिंग मोड, और इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है, इसमें आपको स्लीपर क्लच भी मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से ये ट्रम्प का ट्राइडेंट 660 आपके लिए बेस्ट हो सकता है इन तीनों बाइकों के कंपेयर। तो दोस्तों आप हमें मैसेज करके या कमेंट करके बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा है और आप कौन सा बाइक लेने जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।